हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ विद रोशनी। मैं हूँ रोशनी। फ्रेंड्स, आज हम ग्लूगन का रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्लूगन का यूज़ करने के लिए हमें हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट हमें पड़ती है ग्लूगन की ज़रूरत और सेकेंड हमें होती है ग्लू स्टिक्स की ज़रूरत। विदाउट ग्लू स्टिक्स हम ग्लूगन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो ग्लूगन है आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है और आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। मैंने इसे मंगाया है अमेज़ॉन से। इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये ग्लूगन आपको लोकल मार्केट से भी मिल सकती है, किसी स्टेशनरी की शॉप में या फिर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी आप इसे मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके साथ हमें मिलती है कुछ ग्लू स्टिक्स। किसी किसी ग्लूगन के साथ हमें 10 स्टिक्स मिलती है और किसी ग्लूगन के साथ हमें कम 3-5 स्टिक्स मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये है ग्लूगन। ग्लूगन के साथ हमें मिलता है एक मेटेलिक स्टैंड। ये स्टैंड मिलता है ग्लूगन को होल्ड करने के लिए इस तरह से, ताकि ये अपनी जगह से मूव ना हो। तो फ्रेंड, ये जो मेटेलिक स्टैंड है वो किसी ग्लूगन में प्लास्टिक का होता है और ऑटोमेटिक यहाँ पे फिक्स किया होता है, वो आपको साथ में ही लगा हुआ मिलेगा। और किसी ग्लूगन में इस तरह से आपको अलग मिलता है, जिस प्रकार आप यहाँ पर ये जो होल दिख रहे हैं यहाँ पर आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये जो पूरी फुल बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। सामने मेटल का बना हुआ है, इसका नोज़ल दिया हुआ है जहाँ से आप इस स्टिक के द्वारा, ये स्टिक मेल्ट होकर यहाँ से नोज़ल से पास आउट होती है। ग्लूगन को यूज़ करने के से पहले आप पहले पूरे इस ग्लूगन को चेक कर लीजिए कि इसका कोई भी पार्ट डैमेज तो नहीं है। पूरा पार्ट आप अच्छे से चेक कर लीजिए, वायर्स को चेक कर लीजिए कि कहीं से ये कोई पार्ट इसका डैमेज तो नहीं है। और फ्रेंड, इसमें एक ट्रिगर दिया होता है जहाँ से आप इसे प्रेस करके ग्लूगन को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ से आप इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर लगी हुई ग्लूगन मेल्ट होकर, इलेक्ट्रिक के थ्रू मेल्ट होकर इस नोज़ल से पास आउट होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दी हुई है एक बटन ऑन एंड ऑफ की। आप जब इसे प्लग इन करते हैं तो स्विच ऑन करने के बाद इसे आपको यहाँ से ऑन या ऑन करना पड़ता है। और इसके लिए यहाँ पर आपको एक मिलती है लाइट दी हुई है रेड कलर की। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं यहाँ पर रेड कलर की लाइट ऑन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी ग्लूगन ऑन हो चुकी है। ग्लूगन ऑन होने के बाद आपको इसे टच नहीं करना है और बी केयरफुल आप इसे यूज़ करते हैं तो, बिकॉज ये काफ़ी हार्मफुल होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलती है। तो इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है और जब आप बड़े भी यूज़ करते हैं तो इसे बहुत ही केयरफुली यूज़ कीजिए। और ये क्योंकि जब इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई होती तो ये जिसका मेटल नोज़ल है ये पार्ट बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और इसे आप टच नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम स्टैंड को लगा कर देखते हैं किस प्रकार से स्टैंड को यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो ये एक होल दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसे फिक्स कर दीजिए यहाँ से और इस सेकेंड होल से आप यहाँ पर इसे फिक्स कर दीजिए इस तरह से। तो ये स्टैंड यहाँ पर तैयार हो जाता है ग्लूगन को होल्ड करने के लिए। इस प्रकार आपने देख लिया, इस प्रकार आपको ग्लूगन को होल्ड करके रखना है लाइक दिस। किस प्रकार से ये होल्ड है, ऐसे ही हमें इसको होल्ड करके रखना है। आइए अब हम देखते हैं इसमें ग्लू स्टिक लगाकर। सो फ्रेंड्स, इसमें पीछे के साइड में एक होल दिया हुआ होता है जहां से हम इस ग्लू स्टिक को एंटर करेंगे। इस ग्लूगन में आप देख सकते हैं पहले से एक ग्लू स्टिक है। पहले मैं इस ग्लू स्टिक को यहाँ पर एंटर कर रही हूँ। इसे और थोड़ा यूज़ करते हैं तो ये इस ऑरेंज वाला जो होल आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर चली जाती और तब आप इसके बाद अनादर ग्लू स्टिक को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आपको इस होल के थ्रू इस स्टिक को, ग्लू स्टिक को यहाँ से एंटर करना है और काफ़ी टाइटली एंटर नहीं करना है आपको, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसे प्रेस करते जाना है ताकि ये देखिए इस प्रकार से
अंदर इस होल के अंदर चले जाए। यहाँ से ग्लू स्टिक अवेलेबल थी जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। मैंने यहाँ पे अनादर ग्लू स्टिक को एंटर कर दिया है और जैसे ही हम इसे प्लग इन करेंगे तो जब ये फर्स्ट वाली ग्लू स्टिक एंड हो जाएगी तब ये ग्लू स्टिक आपको प्रेस करना है हल्का सा, और इसके बाद ये ग्लू स्टिक यहाँ पर वर्क करना शुरू होगी और मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। किसी भी ग्लू गन में जब आप ग्लू स्टिक को एंटर कर देते हैं और ये रेडी हो जाती है वर्क करने के लिए, तो इसके लिए आपको जैसे ही आप प्लग इन करते हैं इस प्रकार से आपको एक वायर मिलता है। तो इस प्रकार से ये वायर मिलता है, इसका वायर काफ़ी लॉन्ग है, आप इसे प्लग इन कर सकते हैं। काफ़ी इजी टू वर्क होती है, इजी टू यूज़ होती है, काफ़ी ये लाइट वेट है जिससे आपके हाथों में इसे प्रेस ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है। और इसके जैसे ही आप इसे हाथों में प्रेस करते तो इसमें हमारी रिस्ट में पेन भी नहीं होता है, तो काफ़ी ये ईजी टू यूज़ है और काफ़ी लाइट वेट है ये। तो अब हम इसे प्लग इन करके देखते हैं किस प्रकार से ये वर्क करती है, तो देखते हैं। सो फ्रेंड, मैंने इसे प्लग इन कर दिया है आप देख सकते हैं, और अब हम इसे यहाँ से इसके स्विच को ऑन कर देंगे, यहाँ से इसके स्विच को ऑन करेंगे, और जैसे ही हम ऑन करेंगे ये रेड लाइट यहाँ से ऑन हो जाएगी, जैसे कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी और ये ग्लू स्टिक मेल्ट होने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे ऑन कर देते हैं यहाँ से। देखिए इस प्रकार से ये ऑन हो चुका है। अब इसे आपको मिनिमम 5 to 10 मिनट तक रखना, ऐसे ही छोड़ देना होगा क्योंकि ये क्योंकि हॉट ग्लू गन इमीडिएटली वर्क नहीं करता है, इसे ये थोड़ा वक्त लेता है इसे इस ग्लू को मेल्ट होने के लिए। तो हम 5 मिनट तक वेट करेंगे इस ग्लू को मेल्ट होने के लिए, फिर हम देखेंगे। फ्रेंड्स, तो मेरे पास यहाँ पर किसी कुछ बॉटल्स के कैप्स रखे हुए हैं, तो हम इसे हॉट ग्लू गन की हेल्प से देखते हैं पेस्ट करके कि ये कितना वर्क करता है और ये किस प्रकार टाइटली फिक्स हो पाता है या नहीं हो पाता है। और फ्रेंड्स, जब आप हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको फ़ैन पूरी तरह से ऑफ़ करना है, जस्ट बिकॉज़ जब आप फ़ैन को ऑन रखेंगे तो हॉट ग्लू गन पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा और ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर कैप में ग्लू गन मैंने यहाँ पर ग्लू लगा लिया है कैप में, अब हम इसे यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं लाइक दिस। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है यहाँ इस तरह से। पेस्ट करने के बाद अब हम इसे कुछ देर के लिए रख देंगे सूखने के लिए, ग्लू को सूखने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे और फिर हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से कितनी मजबूती के साथ फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्लॉथ रखे हुए हैं हमारे पास, तो इसे हम देखेंगे हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसे पेस्ट करके देखेंगे, इसमें ग्लू पेस्ट करके देखेंगे ये कितना पूरी तरह से फिक्स होता है या नहीं और ये कपड़े पे वर्क करता है या नहीं। और जब फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप कपड़ों पे ग्लू गन लगाते हैं तो उसके नीचे पहले आप एक कार्डबोर्ड रख लीजिए और आपको बिल्कुल भी हाथ से ग्लू लगाने के बाद आपको टच नहीं करना है, बिकॉज़ वो हॉट होता है जिससे आपको आप हार्म हो सकते हैं। और अगर आपके हाथों में वर्क करते वक्त ग्लू लग जाता है तो आप इमीडिएटली उसको पानी से वॉश कर सकते हैं जिससे कि वो आपके हाथों से निकल जाए। तो हम देखेंगे आप कपड़े में ग्लू लगाकर। तो फ्रेंड्स, ये ऑन है। फ्रेंड्स, जब ये ऑन होता है तो आपको इसके नोज़ल को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है। अगर आपने इसको टच किया तो आप जल सकते हैं और आप हार्म हो सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज जब आप इसे बंद करते हैं, मैंने इसे यहाँ से बंद कर दिया और प्लग ऑफ करने के बाद, प्लग आउट करने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए, और जब आप ये ठंडा हो जाता है तो आप इसे किसी सुरक्षित प्लेस पर आप रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये ऑन है अभी, और मैंने यहाँ पे ग्लू यूज करने के बाद इसे ऐसे ही रख दिया है, थोड़ा दूर रखा है ताकि आपको ये दिख जाए कि यहाँ से इसके नोजल से ऑन होने के बावजूद भी कोई ग्लू मेल्ट नहीं हो पा रहा है।
यहाँ से कुछ लीकेज नहीं हो पा रहा है। जब तक हम इस ट्रिगर को प्रेस नहीं करेंगे तब तक यहाँ से ग्लू लीकेज नहीं हो पा रहा है। कई कई ग्लू गन का ड्रॉबैक होता है कि आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे यूज़ करने के बाद तो यहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाता है। और देखते हैं हम इसे फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसमें ग्लू अभी भी लगा हुआ है, ग्लू स्टिक अभी भी लगी हुई है। अब आप इसे यूज़ करके देखिए, देखिए यू कैन सी, देख सकते हैं। अब मैं इसे आप यहाँ रख देती हूँ जहाँ पर ग्लू नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ कोई भी ग्लू या कुछ भी थोड़ा सा भी ड्रॉप नहीं आ रहा है ग्लू का, जबकि ये ऑन है और यहाँ से कोई भी ग्लू लीकेज नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यदि आप कोई ग्लू गन लेने की सोच रहे हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी इजी टू यूज़ है, काफ़ी हैंडी है ये और बहुत ही चीप है, काफ़ी बजट फ्री ग्लू गन है ये। मुझे काफ़ी सस्ते में ये मिली है अमेजोन से। फ्रेंड्स, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस प्रोडक्ट सो आई विल गिव यू प्रोवाइड दिस लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड, मैंने इसे प्लग आउट कर दिया है और अभी ये हॉट है इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए और हम इसे सुरक्षित प्लेस पे रख सकते हैं। फ्रेंड, तब तक हम देख लेते हैं कि हमने जो कैप को यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट किया था वो काफ़ी वो सूख चुका है और अभी हम देखते हैं इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये निकल नहीं रहा है, मींस कि ये हॉट ग्लू गन बहुत, मतलब मींस कि ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।